बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको, अब रोजे आ रहे हैं, रमज़ान का महीना, बरकतों वाला महीना आ रहा है। इंशाल्लाह हम रमज़ान की रस्म शुरू करते हैं और खीरे का मिक्सचर जूस बनाते हैं और बहुत ही अच्छा आता है। उसके अंदर नींबू डालेंगे और बहुत ही अच्छा होता है सेहत वास्ते और ठंडक बचाता है और तवानाई बचाता है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर मेरी रेसिपी पसंद आएगी और रमज़ान में ज़रूर ये बना के मेरी रेसिपी ज़रूर पीए। और हम शुरू करते हैं। ये दो खीरे, इसको मलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आजकल खीरे कड़वे नहीं होते, जो फुल गर्मियों में होते हैं ना वो और खीरा होता है, ये कड़वे बिल्कुल ही नहीं होते। इसको मलने की कोई ज़रूरत नहीं। ये मैं वैसे इसको छील रही हूँ और ये छोटे बड़े बहुत ही पसंद करेंगे और तेज़ गर्मी में तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इंशाल्लाह आगे से रोज़े की रेसिपी शुरू कर देनी। आगे भी मैं काफ़ी बनाई हैं, मिल्क शेप काफ़ी मैंने रेसिपी भेजी है। पीस करूँगी, ये दो मैं मुझे डालूंगी, ये एक गला और बहुत ही अच्छा होता है खीरे का और इसमें तवानाई पैदा होती है और ठंडक पचाता है और सेहत वास्ते बहुत ही अच्छा होता है। और गर्मियों में जब रोज़ा खोलिए फटाफट पानी पीए, पानी पीने से बहुत ही दिल करता है। और ये मज़ेदार, इसमें काला नमक डाल लेते हैं और मेरे पास अभी काला नमक मौजूद नहीं है और दूसरा ही डाल लेते हैं। कोई बात नहीं, दूसरा भी डाल लो, काला नमक भी डाल लो। काले नमक से ज़रा टेस्ट ज़रा अच्छा आ जाता है। तीन नींबू डाल रही हूँ मैं। और थोड़ी सी चीनी डालूँगी। आपका कितना दिल करे डालें और आप कितने मीठा डाल लें। चीनी के ये मैं डाल रही हूँ उसमें और उसके बाद फिर उसका ग्राइंड करूँगी। थोड़ा सा और डाल लेती हूँ चीनी हल करने वास्ते। दोबारा फिर मैं डाल दूँ, जरा अच्छी तरह हल हो जाए। जो भी मैंने चीज़ें डाली बिल्कुल बिल्कुल फिट आई हैं चीज़ें। ये मैं बर्फ डालूँ। मेरा खीरे का जूस बिल्कुल तैयार हो गया। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ही मुख्तलिफ रेसिपी भेजूँगी। इंशाल्लाह ये बिल्कुल, इसमें खर्चा भी नहीं आता और सेहत वास्ते बहुत अच्छा है। और इंशाल्लाह मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी मुख्तलिफ रेसिपी मैं ज़रूर शरबत की भेजूँ करेंगे। और मेरी रेसिपी लाइक करें, शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब दें और मेरे अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।